नमस्कार स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा पाइथन नेस्टेड लूप्स। सो पाइथन लूप से हम कैसे ऐसे पैटर्न को प्रिंट करेंगे। ये मैंने 3 पैटर्न यहाँ पे लगा करके रखे हैं। तो जैसे मैं हर पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो में 3 प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, वैसे आज भी इस 3 पैटर्न वाले प्रोग्राम हम करेंगे। तो नमस्कार, जो भी स्टूडेंट्स मेरा वीडियो देख रहे हैं और जो भी मेरे दोस्त पाइथन सीख रहे हैं, उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है कि मैंने आपको फॉर लूप के प्रोग्राम कैसे करते हैं वो ऑलरेडी सिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियोज मिस कर दिए हैं तो वीडियोज आपको आई बटन में मिल जाएंगे। और आपको इसके अलावा भी और वीडियोज चाहिए तो भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, तो मैं और भी प्रोग्राम्स अपलोड करूंगा फॉर लूप के। तो आज से हम शुरू करते हैं नेस्टेड लूप्स। तो नेस्टेड लूप में बेसिकली क्या होता है कि हमें 2 वेरिएबल लेकर के उसका लूप के अंदर दूसरा लूप चलाना होता है, तो उसे हम कहते हैं नेस्टेड लूप्स। तो इसी के 3 प्रोग्राम इस वीडियो में आप देखेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और समझिए कि कैसे ये होता है। तो सबसे पहले बेसिकली हमने क्या किया है यहाँ पे, तो पहले आपको इस पैटर्न को समझना है कि पैटर्न बेसिकली कैसे प्रिंट होता है। तो पैटर्न प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वेरिएबल चाहिए जो स्टार्टिंग से कोई नंबर तक जाना चाहिए। तो यहाँ स्टार्टिंग से 5 तक का मैंने इस पैटर्न में रखा है, तो 1 से स्टार्ट होकर के 5 तक जाएगा। तो चलिए इसको पाइथन में डालते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं हूँ संजय परमार, ट्यूटोरियल AICSIP में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइथन ओपन कर लेता हूँ। ये है मेरा पाइथन का स्क्रीन। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 बार ओपन हो चुका है, इसे क्लोज कर देता हूं मैं। ओके, अब यहां से स्क्रिप्ट मोड ओपन कर लेते हैं और फंक्शन का नाम सिंपल दे देंगे DEF PAT1। ये मैंने शॉर्ट नेम रख दिया PAT1। अब क्या करना है, आप पहले पूरी पैटर्न को यहां समझिए कि जैसे हम स्टार्ट करते हैं 1, उसके बाद आना चाहिए 1 2, उसके बाद आना चाहिए 1 2 3, उसके बाद आना चाहिए 1 2 3 4। ऐसे पैटर्न हमारी चलती रहेगी नंबर जो भी हम लेंगे वहां तक। तो बेसिकली आपको सबसे पहले ये समझना है कि ये कैसे प्रिंट होगा। तो हम यहाँ पे एक फॉर लूप ले लेते हैं, जैसे बेसिकली जो वेरिएबल यूज करते हैं हम, तो n इक्वल टू इंटीजर और यहाँ पे मैं 5 नहीं बट जितने हम नंबर डालेंगे वहां तक का लूप प्रिंट होगा, ऐसा प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट एंटर नंबर ऑफ लाइन्स, ये मैंने एक मैसेज दे दिया एंटर नंबर ऑफ लाइन्स कि इतने लाइन तक मुझे पैटर्न प्रिंट करवाना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर आई इन रेंज और रेंज स्टार्ट होगा हमारा 1 से, जाएगा n+1 तक। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम n+1 क्यों लिखेंगे। और यहां पे 1 इंक्रीमेंट कितना होगा, तो हर बार एक इंक्रीमेंट करके हमें ये वैल्यू दिखाएगा। अब देखिए, ये जो पहला हमारा जो स्टेप है वो यहां पे हमने कर लिया है कंप्लीट। अभी मैं सिर्फ i की वैल्यू प्रिंट करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये हो रहा है। तो ये सिंपल जो हम अब तक यूज करते आए हैं वही है, इसमें नया कुछ नहीं है कि सिंपल एक फॉर लूप ले लिया और नंबर जनरेट कर दिया। अब ये प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको समझना है इसके टेबल को। बेसिकली ये क्या है, एक टेबल है और इस टेबल में क्या होता है, जनरली रोज एंड कॉलम्स है। ये आप समझेंगे, फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है जिसमें 2 कॉलम ऐड हुए, थर्ड रो में 3 कॉलम ऐड हुए, ऐसे फोर्थ रो आएगा तो फोर्थ रो में नंबर 4 कॉलम्स ऐड होंगे। तो जितने रोज है उतने कॉलम्स यहाँ ऐड हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी आपको ऐसे कोई रो और कॉलम उसके अंदर कुछ नेस्ट करना है, तो उसके लिए हम दूसरा लूप यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो ये जो फॉर है वहां पे दूसरा एक फॉर मैंने ले लिया, तो आई यहाँ हम समझेंगे रो है, जो हमारे रोज जनरेट हो रहे हैं वो आई से जनरेट होंगे और जो कॉलम्स जनरेट होंगे वो जे से जनरेट होंगे, जे इंटू रेंज। अभी मैं ये जो जे वाला लूप है उसे भी सिमिलर डाल देता हूं, 1 n+1 और यहां ये जाएगा 1
हर स्टेप के बाद ऐसे, और यहाँ हम प्रिंट करेंगे जो भी नंबर हमें प्रिंट करना है। तो चलिए रो की वैल्यू प्रिंट कर देते हैं ताकि यहाँ पे ऐसे ही प्रिंट होता है। तो रो की वैल्यू पहले सबसे पहले प्रिंट कर ली, और यहाँ कर लेते हैं एंड इक्वल टू ये, और ये जैसे आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ये हुआ अपना कॉलम। तो जैसे कॉलम प्रिंट होगा यहाँ पे कर्सर अभी है तो उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रो चेंज होता है, तो रो वाली लाइन में हम लिखेंगे प्रिंट स्लैश एन, जहां पे हमारा रो एंड हो रहा है। तो यहाँ पे रो हमारा एंड होता है इस लूप में, आई वाली लूप में। तो ये जो प्रिंट स्लैश एन है वो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल दिया स्लैश एन। चलिए इसको रन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी हमारा क्या प्रिंट होगा, टोटल नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट हो गए रो और कॉलम। अगर मैं तीन डालूंगा तो तीन रो तीन कॉलम प्रिंट हो जाएंगे। ये सबसे पहला स्टेप है किसी भी पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है पाइथन, और यहां पे डाल देते हैं हम प्रोग्राम का नाम पैट वन। तो यहां पे फंक्शन कॉल कर देते हैं पैट वन, जो हमने नाम दे करके रखा है। एंटर नंबर ऑफ लाइन, सपोज तीन लाइन चाहिए अभी मुझे, तो ये देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं कि तीन लाइन ऑटोमेटिकली प्रिंट हो चुकी है। तो यहां पे हर प्रिंट हर लाइन को प्रिंट करने के बाद हमें आउटपुट दे रहा है। अगर शायद ये इसको कमेंट में डाल देते हैं तो क्या होता है, देखिए ये मैंने सिंपल एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है समझने के लिए कि अगर हम प्रिंट नंबर नहीं लिखेंगे, प्रिंट लाइन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि जैसे इसने ये प्रिंट करके हमें दे दिया कि 1 1 2 2 3 3 3 एक ही लाइन में। तो इसीलिए वहां पे ये जरूरी होता है स्लैश एन यूज करना, तो इसीलिए हमने आई की लूप में यहां स्लैश एन लिख दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही आपका रो कंप्लीट होगा एक नया कॉलम वहां जनरेट हो जाएगा पैट वन। ओके नंबर फोर, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि चार कॉलम और चार रोज जनरेट हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है कि इसी को हम प्रिंट करेंगे वन, तो फर्स्ट रो में कितने आना चाहिए, वन है तो वन, सेकंड रो में टू है तो टू, थर्ड रो में है थ्री तो थ्री। पर हमारा जो फर्स्ट पैटर्न है वो ऐसा है, पहले वन आने चाहिए उसके बाद टू 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 आने चाहिए रो में, और हमारा यहाँ पे जो है वो प्रिंट हो रहा है ऐसे, मतलब कॉलम प्रिंट हो रहा है, रो का नंबर प्रिंट हो रहा है। हम क्या करेंगे, कॉलम प्रिंट कर देंगे यहाँ। तो जैसे कॉलम प्रिंट करते हैं तो उसका आउटपुट हमें ये मिल जाएगा, ये देखिए जे। तो जैसे ही मैंने जे चेंज किया तो अब क्या करेगा, वो कॉलम की जो वैल्यू वहां पे मिल रही है वो प्रिंट करेगा नंबर फोर। ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ऐसे हर रो में उसने कॉलम को प्रिंट किया। तो आशा रखता हूं कि आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे इसको प्रिंट किया। एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रो जो हमने स्टार्ट किया उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दिया जो स्टार्टिंग वन से है एन प्लस वन तक जाएगा, और एक का इंक्रीमेंट दिया। सिमिलरली कॉलम भी जनरेट कर लिया हमने ऐसे ही कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमें इतने चाहिए। अब इस पैटर्न के लिए हमें क्या करना है, इस पैटर्न में आप अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले वन है उसके बाद रो नंबर टू तो कितने प्रिंट हुए नंबर्स, टू, रो नंबर थ्री, थ्री प्रिंट हुए। मतलब जिस रो में हम जाते हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हमें चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रेंज को शॉर्ट कर देते हैं। रेंज हमने क्या लिया है, एन प्लस वन लिया है। अब उसकी जगह हम क्या कर देंगे, सिंपल आई। तो क्या होगा कि आई की जो वैल्यू होगी फर्स्ट रो में तो वन प्रिंट करेगा, सेकंड रो में तो टू प्रिंट करेगा। देखिए इससे ऑटोमेटिकली आपका पैटर्न जो है जनरेट हो जाएगा। ये डाल दिया पैट वन, और यहां पे डाल देता हूं नंबर चार। ये देखिए यहां पे ये है, और ये 1 2 3 इसलिए आया था कि मैंने सिर्फ यहाँ आई लिखा है, यहाँ आपको प्लस वन करके लिखना है तभी वो वहां तक जाएगा जितने आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5। अब जैसे हम 5 करेंगे देखिए, तो ये हमारा सबसे पहला जो लूप था वो प्रिंट हो चुका है, सबसे पहला पैटर्न हमारा बन चुका है। तो सिंपल ये चीज करनी है यहाँ पे आई प्लस वन, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज है उतने नंबर ऑफ कॉलम्स हम वहां प्रिंट कर रहे हैं।
आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की ओर और दूसरा पैटर्न जिसमें यह है, ये सिंपल है, आपने ऑलरेडी देख लिया है उसका आउटपुट, अभी पहले प्रिंट कर चुके थे। हम क्या करेंगे, जहां पे हमने कॉलम की वैल्यू प्रिंट की है वहां आप प्रिंट करेंगे रो की वैल्यू। तो यहाँ पे थोड़ा सा माउस का दिक्कत है लगता है, एक क्लिक से नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे सेव एज कर लेते हैं पैट टू। तो यहाँ पे पैटर्न टू होगा हमारा, जिसमें हम इस यहाँ पे कॉलम की जगह आई प्रिंट कर लेंगे। ये देखिए आउटपुट इसका सीधा निकल जाएगा, पैट वन, और यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस 5। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ऐसे रोज उसने प्रिंट कर दिए कि जिस भी रो में जा रहा है उसी रो की वैल्यूज रिपीट हो जाएगी। तो ये है हमारा सेकंड पैटर्न। अब करेंगे सेम उसी तरह से थर्ड पैटर्न। थर्ड पैटर्न के लिए नाम ले लेते हैं पैट 3, और यहाँ पे थर्ड पैटर्न हमारा जो है वो 5 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, मतलब जो हमारा एन है वहां से स्टार्ट होगा और जाएगा 1 तक। तो यहां पे सबसे पहले हम करेंगे एन, ये जो है उसे हम घुमाएंगे 1 तक। तो 1 है तो यहाँ पे आपको एन माइनस 1 कंसिडर करके चलना है, और ये रिवर्स लूप है तो हमें सिर्फ करना है माइनस 1, बस इतना ही। इतना करने से हमें जो प्रोग्राम में आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे सबसे पहले ये वाला जो रो का वैल्यू है वही प्रिंट करते हैं, उसमें क्या आउटपुट हमें देगा ये देखिए। तो एग्जैक्ट हमें जो पैटर्न चाहिए वो पैटर्न हमें मिल गया। वैसे अगर आप यहाँ पे रो चेंज करते हैं, सॉरी कॉलम चेंज करते हैं, कॉलम को प्रिंट करेंगे, तो उसका हमें आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा। तो यही है पैटर्न का चक्कर। आपको कोई भी पैटर्न मिला है तो आपको सबसे पहले सोचना है कि किस पैटर्न में कौन सी चीज कहाँ पे आ रही है, तो उसी हिसाब से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप उसको सही भी कर सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपको और भी ऐसे प्रोग्राम चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पैटर्न प्रिंट करने में दिक्कत आ रही है, अगर आप ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। और जो सीख रहे हैं उनके उनके लिए मैं और थोड़ी सी सिंपल पैटर्न्स के वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। तो एक बार फिर से आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।